मलाजगिर के मुकाम पर दो लश्कर जंग की इब्तिदा करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने सफे बांधे खड़े थे। एक लश्कर कुस्तुनतुनिया के रोमनों का था जिसकी तादाद 2.5 लाख के करीब थी। कुछ मुहर्रिकों का तो ये भी मानना है कि उसकी तादाद 6 लाख के करीब तक भी पहुंचती थी। रोमनों का बादशाह रोमानोस देवजोंस बनफसे नफिस शामिल था और रोमनों के लश्कर में उस वक्त लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़े जोरों शोर से बड़ी बड़ी दफें और तबल बजाए जा रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर था जिसकी तादाद सिर्फ 15,000 से 20,000 के करीब थी। मुसलमान उस मौके पर बड़ी बेचैनी बड़े इज़्तिराब का इजहार कर रहे थे इसलिए कि लश्कर ने सफे बांध ली थी। मुसलमानों के सालार भी अपने लश्कर के सामने जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे लेकिन मुसलमानों का सुल्तान अभी तक तैयार होकर अपने लश्कर के सामने नहीं आया था। उस मौके पर मुसलमान लश्करियों में तरह तरह के वसवसे और अंदेशे खड़े होना शुरू हो गए थे। कुछ लोग ये ख्याल करने लगे थे कि शायद हमारे लश्कर की तादाद सिर्फ 20,000 है और हमारे मुकाबले में रोमियों की लश्कर की तादाद 2.5 लाख है। इस बिना पर हमारा सुल्तान अपने लश्कर के सामने नहीं आ रहा और वो जंग की इब्तिदा नहीं करना चाहता। लश्कर में अजीब तरह की खुसर खुसर शुरू हो चुकी थी इसलिए के सुल्तान का अपने लश्कर के सामने न आना लश्करियों के लिए बददिली का बाइस बन रहा था। मुसलमानों के लश्कर के सामने जो सालार खड़े थे वो भी अजीब तरह से कभी सामने दुश्मन की तरफ देखते कभी पुश्त पर पड़ाव की तरफ उनकी निगाहें जम जाती। गर्ज उन्हें बड़ी बेचैनी से अपने सुल्तान का इंतजार था। बहरहाल उस मौके पर बड़ी अजीब सी कैफियत तारी थी और रोमनों के लश्करियों में बड़े जोशो खरोश से नारे लगाए जा रहे थे तबल बज रहे थे और एक तरह से बेकरारी की कैफियत तारी थी इसलिए कि आम लश्करी से लेकर बड़े बड़े सालार जो लश्कर के सामने खड़े थे उन्हें अपने सुल्तान की आमद का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। मुसलमान लश्करी तादाद की किल्लत और कसरत पर यकीन नहीं रखते थे। अगर उनका सुल्तान उनके सामने हो तो वो तूफान से भी टकरा जाने वाले थे। उनके इज़्तिराब और परेशानी की वजह रोमनों के लश्कर की 2.5 लाख की तादाद नहीं थी बल्कि अपने सुल्तान की गैर हाजिरी थी। अचानक मुसलमानों के लश्कर में एक हलचल खुशी और इत्मीनान की लहर उठ खड़ी हुई इसलिए कि उनका सुल्तान अपने सफेद घोड़े पर सवार उससे दौड़ाता हुआ अपने लश्कर के अगले हिस्से की तरफ आया था। जब मुसलमान लश्करियों और सालारों ने अपने सुल्तान को देखा तो लश्कर में अजीब सी कैफियत तारी हो गई। लश्करी अजीब से जज्बे जोश और वलवले में तकबीरें बुलंद करने लगे थे नारे लगाने लगे थे और कुछ लश्करी जज्बात से मकलूब होकर बेचारे रोने लगे थे। लश्कर में उस मौके पर कई लश्करियों की हिचकियां और सिसकियां सुनाई देने लगी थी इसलिए कि उनका सुल्तान जिस वक्त पड़ाव से निकलकर लश्कर के अगले हिस्से की तरफ आया था तो उन्होंने देखा वो सफेद घोड़े पर सवार था और अपने आम लिबास के बजाय वो कफन पहने हुए था। मुसलमानों का सुल्तान जब अपने लश्कर के सामने आया तो लश्कर में एक अजीब जोश और वलवले उठ खड़ा हुआ था। बार बार मुसलमान लश्करी अपनी चमकती तलवारें फिजा में बुलंद करते हुए नारे लगाना शुरू हो गए थे। लश्कर के आगे खड़े मुसलमानों के सालार सुल्तान की आमद पर जहां मुतमईन थे वहां उनके दिल में एक इज़्तिराब भी था कि उनका सुल्तान कफन बांध कर सामने आया है। उस मौके पर मुसलमानों के सुल्तान का कफन पहनकर मैदान जंग में आने का मकसद ये था कि वो दुश्मन पर साबित करना चाहता था कि जंग के मैदान में तुम नहीं या हम नहीं। और फिर सुल्तान के इस तरह कफन पहनकर अपने लश्कर के सामने आने से उसके लश्करियों में जो जोश और वलवला पैदा हुआ था वो तारीख के औराक में बहुत कम लश्करियों में देखा गया होगा। अपने सुल्तान की आमद के बाद जब मुसलमान लश्करी अजीब जोश और जज्बे में तकबीरें बुलंद कर रहे थे तब मुसलमानों के सुल्तान ने जंग की इब्तिदा करने का हुक्म दिया। इस तरह 2.5 लाख रोमन और 20,000 मुसलमान
आपस में टकराए और मुसलमानों के उस सुल्तान ने अपने सिर्फ 20,000 के लश्कर के साथ न सिर्फ ये के रोमनों के 2.5 लाख लश्कर को रौंद कर बदतरीन शिकस्त दी, बल्कि रोमनों के बादशाह रोमानोस देवजोंस को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बड़े बड़े सालारों को भी गिरफ्तार करके कैदी बना लिया गया। मुसलमानों का ये अजीम सुल्तान अल्प अरसलान सलजूकी थे। सुल्तान अल्प अरसलान 425 हिजरी में पैदा हुए। उनके वालिद जगरी बेग निशापुर से लेकर दरियाई सिहू तक के इलाकों का वाली थे, जबकि जगरी बेग के बड़े भाई तुगरुल बेग सलजूकों का बादशाह थे और उन्हीं की तरफ से अल्प अरसलान के वालिद जगरी बेग उन इलाकों का वाली थे। सुल्तान अल्प अरसलान के इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सुल्तान अल्प अरसलान के आबाओ अजदाद कौन थे, उनके आबाओ अजदाद ने कैसे इस्लाम कबूल किया और कैसे उम्मत मुस्लिमा की उन्होंने हिफाजत की। अब्बासी खिलाफत जो उस वक्त खत्म होने के कगार पर थी, उन्होंने कैसे उसे सहारा दिया। सलजूकी बुनियादी तौर पर तुर्क थे और अपने जद्दे अमजद सलजूक की वजह से सलजूकी कहलाए। उस सलजूक के वालिद का नाम दुकाक था, जो तुर्कों के एक ताकतवर गिरोह का सरदार थे और वो तुर्कों के बादशाह बेगों का मुकर्रबे खास और मुशीर थे। सलजूक के वालिद दुकाक जहां एक निहायत जेरक दानिशमंद जहांदीद शख्स थे, वहां वो इंतहा दर्जे का शुजा और दिलेर थे। बहादुरी और जुर्रतमंदी में अपना जवाब न रखते थे। उनकी उसी जुर्रत और दिलेरी की वजह से उन्हें तमर तालिक के नाम से पुकारते थे, यानी तुर्क इमाम। तुर्कों के बादशाह बेगो को दुकाक पर इस कदर एतमाद व भरोसा था कि वो उनके बगैर कोई काम नहीं करता था। मुहर्रिकीन लिखते हैं कि एक मौके पर बेगो और उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात भी हो गए और करीब था कि उनके माँ बहन जंगो जदल तक की नौबत पहुँच जाती, लेकिन बा असर सरदारों ने बीच में पड़कर दोनों की सुलह करा दी। इसी दुकाक के बेटे का नाम सलजूक था। कहते हैं सलजूक की विलादत उन दिनों हुई जब दुकाक और बेगों के दरमियान सुलह हो चुकी थी। गो सलजूक के बचपन के हालात तारीकी में डूबे हुए हैं और मुअर्रिखीन उससे मुतालिक तफसील नहीं लिखते, लेकिन ये भी अंदाजन कहते हैं उनकी तरबियत निहायत अच्छे पैमाने पर हुई और वो अक्लो फरास कियादत व शुजाअत और जुरतमंदी में अपने नामवर बाप दुकाक का खल्फ रशीद साबित हुए। दुकाक की वफात के बाद बादशाह बेगो ने सलजूक को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उन्हें एक उम्दा खिताब देकर अपने लश्करियों का सिपा सालार बना दिया। रफ्ता रफ्ता सलजूक का असर और रसूख इस कदर बढ़ गया कि बादशाह हर काम में उनसे मशवरा लेने लगा। इससे दूसरे उमरा के कान खड़े हो गए और वो सलजूक को बादशाह के नजर में गिराने के मंसूबे बनाने लगे। उन साजिशी उमरा के साथ तुर्कों का बादशाह बेगो की बीवी भी शामिल हो गई। एक मर्तबा सलजूक दरबार में मसनद शाही के बिल्कुल करीब जा बैठे। बेगो की बीवी को उनकी ये जसारत सख्त नागवार गुजरी, लिहाजा उसने तुर्कों के बादशाह बेगो से कहा, ये नौजवान अभी से आदाब शाही की परवाह नहीं करता तो आइंदा खुदा जाने क्या करेगा। बेगो पहले ही अपने उमरा के भड़काने और सलजूक के हासिदीन की बातें सुन सुनकर एक तरह से शुबहात में मुब्तला हो चुका था। अपनी बीवी की बातें सुनकर वो सलजूक का दुश्मन हो गया और उन्हें खत्म करने के लिए मुनासिब मौका तलाश करने लगा। दूसरी तरफ सलजूक ने भी भाव लिया था कि बेगो उनका खात्मा करना चाहता है, लिहाजा उसके शर से बचने के लिए एक दिन वो चुपके से अपने कबीले को लेकर मावरा उन नहर की तरफ हिजरत कर गए और जंद के मुकाम पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। जंद पहुंचकर कुछ अरसे के बाद सलजूक अपने कबीले समेत मुशर्रफ इस्लाम हो गए। इस्लाम कबूल करते ही खाना बदोश जंगजू जो इस्लाम के कवि दस्तों बाजू बन गए। इस्लाम कबूल करने से पहले ये सलजूकी और उनके अलावा दूसरे तुर्क कबाइल आम तौर पर खाना बदोशों की तरह जिंदगी बसर करते थे। वो न तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ थे और न मजहब का कोई तसव्वुर उनके सामने था।